दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के द्वारा भिलाई के सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ परिसर में भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों के द्वारा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वहां से हटाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई तरह के हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। बावजूद इसके महिला पहलवान वहां से हिलने को तैयार नहीं है और अब यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ने लगा है और पूरे देश भर में कांग्रेसियों के द्वारा महिला पहलवानों के समर्थन में सामने आकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई जिला कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के द्वारा भी भिलाई के अर्जुन रथ परिसर पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ जिला भिलाई के अध्यक्ष ने कहा कि ओलंपियन महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ है, इसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही खिलाड़ियों को बलात् हटाया गया। यह पूर्णतः गलत है और तानाशाही रवैया है। यौन शोषण का आरोप सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगा है, इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। खेल प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार आप सब देख रहे हैं कि हमारी देश की बेटियां खेल के जो कहते हैं कि जब मेडल लाते हैं तो पूरा देश गौरवान्वित होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा 3 महीने से अपनी न्याय की मांग को गुहार को लेकर लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे देश की सरकार द्वारा ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है ना अभी तक कोई जानकारी दी गई। और आज जिस तरह से वो अपमान अपने न्याय की मांग को लड़ाई को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, तो पूरे देश उस लड़ाई के साथ है, उस बेटियों के साथ है। इन बेटियों ने जिस तरह से ये लड़ाई को लगभग 3 महीनों से पूरा देश उसके साथ है, उसके बावजूद आज न्याय उन्हें नहीं मिला है। और उनके न्याय के साथ में हमारा ये जिला भिलाई के द्वारा खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से आज उन बेटियों के साथ देने के लिए आज एक हम सब कैंडल मार्च निकालकर या कैंडल जलाकर उन्हें उनको समर्थन दिए। और आगामी आने वाले ये 2 दिन के पहले हमारे जो रेल की दुर्घटना घटी है उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, क्योंकि उन परिवारों को संवेदना सभी के व्यक्त किए हैं। आज ये कार्यक्रम रहा हमारा। भिलाई जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के तत्वाधान में आज भिलाई के सभी खिलाड़ी और कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के पदाधिकारियों द्वारा ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में एक मार्च निकाला गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो पहलवान बेटियां हैं, जो देश के गौरव हैं, उनको न्याय दिलाया जाए और ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर उसको पद विमुक्त किया जाए। और साथ ही मोदी सरकार से भी आह्वान किया गया है कि जल्द से जल्द हमारी जो बेटियां हैं उनको इंसाफ दिलाने का वो कष्ट करेंगे। दिल्ली में महिला पहलवान खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ताकि भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा यौन शोषण का किया गया कई खिलाड़ियों का, जिन्होंने आरोप लगाया है उस पर बमुश्किल बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है, किंतु भाजपा सरकार उनको पकड़ने नहीं चाहती है, उनको समर्थन दे रही है, श्रेय दे रही है। और जो पहलवान खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे हैं या न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके साथ प्रवर्तक किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर उल्टा अपनी बातों को छुपाने के लिए, जुर्म को छुपाने के लिए अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन ना दें, आप यहाँ पर इकट्ठे ना हों, तो उनके ऊपर भीड़ इकट्ठी करने का, धरना प्रदर्शन करने का या दंगा करने का या सरकारी काम में बाधा डालने का या सरकारी आदेश का पालन नहीं करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बल्कि अपराधी जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या शासन को उनको गिरफ्तार करके उनके जो पद समाप्त कर देना चाहिए। तो इसको छुपाते हुए भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको श्रेय दे रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो कि भारत का देश विदेश में नाम रोशन किए, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने देश के लिए गौरव के बढ़ाया है और गोल्ड मेडल लाया है, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं का यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि
जो ब्रिजभूषण जो हैं सांसद हैं उनको तुरंत निष्कासित किया जाए और उनको तुरंत जेल भेजा जाए। और इस तरीके से यदि होते रहेगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई अपनी बहनों को खेल के मैदान तक नहीं भेजेगा। और जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिला घर से बाहर निकलने में संकोच करेगी और हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। इसके लिए कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ भिलाई शहर के सुमित सिंह अध्यक्ष के द्वारा के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन की उपस्थिति में नीता लोधी जी जो राज्य मंत्री दर्जा हैं उनके समर्थन में तुलसी दीदी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्तागण, बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा आस्था चौक स्विक सेंटर में इकट्ठे हुए और कैंडल मार्च पैदल यात्रा निकाल कर रथ चौक स्विक सेंटर तक गए और वहाँ पर उन्होंने सबने अपनी मांगें रखी और नारेबाजी करके गिरफ्तारी की मांग की और उनको प्रत्युत करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मांग की है। और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम न्याय व्यवस्था को पालन करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए ब्रिजभूषण जी को, सांसद जी को प्रत्युत करेंगे और निष्कासित करेंगे और उनकी गिरफ्तारी तुरंत करवाएंगे, अन्यथा संविधान से और न्याय व्यवस्था से आम जनता का विश्वास टूट जाएगा। कहीं ना कहीं भारत देश की महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन अब रंग ला रहा है और पूरे देश भर में उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या केंद्र की सरकार अपने पार्टी के सांसद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करती है या फिर यौन शोषण की शिकार हुई महिला पहलवानों के हाथ निराशा लगती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।